तो हम पहुंच चुके हैं बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के पास। तो किस तरह उनके किचन में पक रही है सियासी खिचड़ी, जब चाय बनाती हैं तो चीनी और चाय पत्ती के साथ क्या होता है जहन में, क्या क्षेत्र के मुद्दे होते हैं जहन में, या फिर किस तरह से आगे अपनी पॉलिटिक्स करनी है वो होते हैं मुद्दे। इन तमाम मुद्दों को जानेंगे बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद से। तो आज हम करेंगे किचन में सियासी गपशप। अंबा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से खाना बनाने का सामान लेकर ये बैठी हुई हैं और इसके साथ ही हम जानेंगे कि क्या ये टेस्टी फूड बना रही हैं हमारे लिए और कितना इंटरेस्ट इन्हें कुकिंग में है। इसके अलावा क्या कुकिंग के साथ ही राजनीति में अंबा जी आगे क्या कुछ नया करने वाली हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। जो मौजूदा राजनीति है उस पर अंबा जी क्या सोचती हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए पूरे ट्रेडिशनल लुक में विधायक जी नजर आ रही हैं और देखकर शायद आप भी नहीं सोच रहे होंगे कि एक रूप ऐसा भी होता है एक जनप्रतिनिधि का। तो देखिए वो भी इंसान है और हमारी तरह ही वो भी जिनके अलग अलग हॉबीज हैं शौक है उसे वो पूरा करती हैं। तो अंबा जी हमारे साथ हैं तो उनसे अब बात करने के लिए मुझे भी उनके बगल में बैठना होगा क्योंकि सब तरफ देखिए खाना पकाने की तैयारी बहुत ही ट्रेडिशनल अंदाज में। और शुरुआत करते हैं अंबा जी से ये पूछकर कि अंबा जी जब आप पढ़ाई कर रही थी उसके बाद फिर राजनीति में आना, कितना डिफरेंस दोनों में लगा? पहले तो एक अल्हड़पना होता है कि बस पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज जा रहे हैं उसके बाद एक जिम्मेदारी अपने पूरे क्षेत्र की जिसका आप जनप्रतिनिधि आप हैं, तो कितना फर्क लगा? देखिए वो एक अलग चीज़ है, ये एक अलग संघर्ष है। स्टूडेंट्स का भी संघर्ष होता है, आप पढ़ाई करते हैं तो उसमें भी आपका संघर्ष है। और बाकी हर चीज़ बिना मेहनत का कोई चीज़ तो होता नहीं है, पर निश्चित रूप से पॉलिटिक्स मेरे को लगता है कि यूपीएससी का तैयारी करना आसान है, पॉलिटिक्स टफ है, यही मेरे को लगता है। तो अम्मा जी को कुकिंग में कितना इंटरेस्ट है? आज जिस तरह से आपने ट्रेडिशनल फूड बनाने की सोची है, देखिए मिट्टी के चूल्हे लकड़ी में ये खाना बन रहा है और क्या बनाने वाली हैं आज? देखिए मेरे को हमेशा से देसी प्रधान बहुत अच्छा लगता है। देसी स्टाइल में खाना खाना बनाना मेरे को जब समय मिलता है तो हमेशा चूल्हे में ही खाना बनाने का शौक रखते हैं, हांडी में ही। तो आज आपकी तरफ से एक था कि आप जैसे ही आए वैसे ही आप बोले कि हम आपको खाना में शूट करना चाहते हैं, तो तुरंत में जो घर में है वही चीज हो सकता था। तो हम बनाएंगे कटहल का सब्जी और मंचूरियन। तो इंडियन के साथ चाइनीज डिश भी देखेंगे अंबा के हाथों से खाकर। तो अंबा प्रसाद जो एक विधायक भी हैं, वो अंबा प्रसाद और ये अंबा कितना डिफर करती हैं दोनों को? कोई डिफर नहीं है, सब जगह एक ही है। आपके अंदर बस पैशन होना चाहिए। वैसे हम खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। चलिए वो तो आज हम टेस्ट करके जज कर लेंगे कि अंबा जी खाना कितना अच्छा बनाती हैं। लेकिन कुछ जनता का कॉल आ रहा है तो उसको भी अटेंड करते जाएंगे। हेलो, ये एक विधायक की लाइफ होती है कि आप कहीं भी हो और कितना भी बज रहा हो, और देखिए ये करीब रात के 9:30 बज चुके हैं और अभी भी क्षेत्र से कॉल आते हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर और उसे अटेंड भी करती हैं विधायक अपने बिजी शेड्यूल के साथ। आज इन्होंने वक्त दिया है और हमारे साथ देखिए कुकिंग करके दिखा रही है जो इनका शौक है इनका पैशन है। अब कितना टेस्टी बनाती हैं वो हम जानेंगे और कुछ सियासी गपशप भी करेंगे। अम्मा जी अब देखिए लोकसभा के चुनाव तो खत्म हो गए, कई सारी बातें आईं, लेकिन अब विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। क्या फिर से चुनावी मैदान में उतर रही हैं अम्मा? चुनावी मैदान में तो है ही, हमेशा से है, और लोकसभा में भी जो भी कैंडिडेट थे उनके साथ भी चुनाव मैदान में थे। बस क्योंकि किन कारणों की वजह से नहीं लड़ पाए वो चीज़ तो छुपा हुआ नहीं है आप लोग से, यही सब है। तो चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं पूरे तरीके से, क्या मुद्दे रहेंगे अंबाजी इस बार के विधानसभा चुनाव में? देखिए मुद्दे तो बहुत सारे हैं, क्षेत्र में बहुत सारे मुद्दे पे हमने काम भी किया है,
हॉस्पिटल नहीं था पतरातु में, हॉस्पिटल हमने सैंक्शन करवाने में हम सफल रहे, बड़े बड़े रोड्स हैं जिसको लाने में सफल रहे। हमको लगता है कि मेरे क्षेत्र में शायद ही ऐसे कोई रोड हैं जो बचे हुए होंगे, जो अभी भी पाइपलाइन में हैं, जो मेरे चुनाव के पहले वो रोड पास हो जाना है। तो कई चीज़ें हैं जो हमने विधानसभा में किया है, और जो बचा हुआ काम है उसको तो ये समस्या तो कंटिन्यूअस क्षेत्र में बना ही रहता है। एजुकेशन का बात कर ले और भी शिक्षा में, तो शिक्षा को दुरुस्त कैसे करना है, कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत करना है अपने क्षेत्र में। हॉस्पिटल्स तो बन गए हैं, मतलब इम्प्रूवमेंट का हमेशा स्कोप बहुत रहता ही है, और अभी तो हम लोग शुरुआत किए हैं। बहुत स्कोप है और बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत भी है। तो मुद्दे बहुत हैं अभी, और जिन्हें लेकर विधानसभा के चुनावी मैदान में कूदेंगे अम्बा प्रसाद। और देखिए, कहा भी इन्होंने कि चुनाव मैदान में तो शुरू से ही हैं, तो ये जो चुनाव का रण है ये कितना मुश्किल होता है। अभी आप जिस रूप में अम्बा प्रसाद को देख रहे हैं, या तो विधानसभा में आप जन मुद्दों को उठाते हुए देखते हैं, या फिर मीडिया के सामने बयान देते हुए देखते हैं, लेकिन शायद ही आपने ये रूप देखा होगा अम्बा। बहुत सारी आपकी तस्वीरें और वीडियो आती रहती हैं, कुछ अलग हमेशा आप करती रहती हैं, चाहे बुलेट पर क्षेत्र का भ्रमण हो, घुड़सवारी हो, या फिर कुकिंग। अब जिस तरह से हम देख रहे हैं और लगातार लोग गैस चूल्हों में खाना बनाते हैं, शायद ये बहुत दूर की बात हो गई है। और गांव में भी उज्ज्वला योजना के जरिए कोशिश की जा रही है कि सिलेंडर सब तक पहुंचे। तो खैर, ये तस्वीर देखकर बहुत लोग सवाल भी करेंगे कि क्या मैडम को उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिला तो लेकिन ये पैशन और विधानसभा में सवाल उठाती है अम्बा, कैसे तमाम चीज़ें करती हैं, कैसे अपने शौक को पूरा करती हैं? देखिए, कोई भी ऐसा जीवन में हमेशा एक संतोष रहना चाहिए। जब आपको जो चीज़ करने का मौका मिल रहा है उस चीज़ को प्यार से आप करिए, तो फिर जीवन में आपको और क्या चाहिए। अगर उस चीज़ में पैशन आ जाए, उस चीज़ में आपका मन दिल सब लगा दे, तो फिर कोई भी काम कठिन नहीं होता है, सब काम में आपका अच्छा रिजल्ट भी रहेगा। तो ये आप सिल बट्टे पर, शायद अब मिक्सर ग्राइंडर ने इसका इसकी जगह ले ली है, और शायद ही किसी घर में अब ये दिखता होगा, वहाँ पर अम्बा प्रसाद आज हमारे लिए सिल बट्टे पर मसाला पीस रही हैं और बहुत ही लजीज सा बना रही हैं, कटहल की सब्जी और वेज मंचूरियन, इसके अलावा रोटी। तो आप देखेंगे किस तरह से विधायक की एक अलग छवि भी है, एक अलग रूप भी है, और घर में किस तरह वो एक आम महिला की तरह कुकिंग में इंटरेस्ट रखती हैं, घुड़सवारी में इंटरेस्ट रखती हैं। तो कोई मलाल रह गया अम्बा जी कि विधायक बन गई तो ये शौक पूरा नहीं हो पा रहा है, और कुछ और बनने की चाह थी लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ आ गई कि फिर विधायक बनने के लिए चुनावी मैदान में आपको दी? नहीं, कोई मलाल नहीं है, निश्चित रूप से बहुत हम हमेशा से बहुत एडवेंचरस रहे हैं, मल्टीपल चीज़ों पे हमेशा मतलब पढ़ाई भी करते थे तो बहुत मन से करते थे, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मतलब जो भी करते तो पूरा 100% अपना मन दिल सब लगा देते हैं। तो मुझे लगता है कि आप अपना 100% देते हो तो वो चीज़ आपको खुश रखता है, संतुष्ट रखता है। मलाल कोई चीज़ का नहीं है, लेकिन अब उस पर क्या ही बोला जाए, जो आप पूरी तरह से तो आपको सब चीज़ें नहीं मिल सकती, आपको समझौता तो करना पड़ता है अपने परिस्थितियों से, तो जीवन में तो समझौता एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ का। आप किसी भी रोल में रहे, कहीं ना कहीं आपको समझौता तो करना पड़ता है। तो चलिए कुछ पॉलिटिकल सवाल भी कर लेते हैं। इस बार का विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन है, और इंडिया गठबंधन ने लोकसभा में परफॉर्म भी किया। अम्बा जी, विधानसभा के चुनाव में किस तरह इंडिया गठबंधन के परफॉर्मेंस को आप देखती हैं? देखिए, विधानसभा तो अभी हम लोग, मुझे लगता है कि हमारी सरकार उन सारे मुद्दों को पे काम की है जो पहले कभी देखने को नहीं मिला, चाहे ओबीसी को जाति जनगणना करवाना या फिर आरक्षण पे विधेयक पास करना, 1932 खतियान के लिए भी, मतलब उन चीजों पे भी सरकार ने विधेयक पास करा है।
और हमेशा देखे प्रयास तो पॉजिटिव ही रहा है, भले चाहे आगे जाके उलझनों में हम लोग गिर गए, कई तरफ से कई चीजें हुई हैं जो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है, तो कई चीजें हैं जो अभी भी पेंडिंग है, बहुत सारा चीज सरकार के स्तर से हो चुका है, और स्टूडेंट का भी अधिकतर समस्या हमारी देखिए क्या है कि विपक्ष बहुत एक्सपर्ट होके और वो मतलब मीडिया में, सोशल मीडिया में, लोगों के दिमाग में उनको बहुत अच्छे से पता है कि कैसे फीड करना है, हमारे काम का भी श्रेय वो लेना जानते हैं, तो ये उनका स्टाइल है, लेकिन हम लोग हैं कि उतने मीडिया में या लोगों को फीड करके वो प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया को पूरा यूज करना अपने पक्ष में, वो चीजें हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो अब क्या अब वो चीजें भी करनी है, नहीं लोगों तक मैसेज तो पहुंचाना पड़ेगा कि आप क्या करें वो, क्योंकि आपको वोट का मतलब फिर आपको लोगों के पास जाना है, वो आपको समर्थन चाहिए, आपको लोगों के वोट चाहिए, कई चीजें तो उसको तो काम करना पड़ेगा। काम बहुत है, विधानसभा चुनाव फिलहाल मिशन है, क्योंकि अंबा अब स्टेट की राजनीति करना चाहती हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव भी गुजरे उस वक्त भी बहुत ये खबरें आई कि अंबा प्रसाद लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकती है, लेकिन इन्होंने स्टेट की राजनीति में फिलहाल रहने का मन बनाया है। तो अभी फिलहाल जो तैयारियां विधानसभा चुनाव को लेकर हैं अंबा जी, क्या वो शुरू हो गई हैं? देखिए हम जब से पॉलिटिक्स में आए हैं, मेरा घर बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र है, मेरा परिवार बड़कागांव विधानसभा के लोग रहे हैं, और मुझे बहुत बड़ा चीज मिल गया है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ, बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि मुझे मेरे क्षेत्र के लोग मुझे ऐसे समय में संभाले जब मेरा पूरा परिवार जेल में था, मेरे माँ बाप बन के मेरे साथ, मेरे छत्र छाया बन के रहे, और मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि तुमको बहुत बड़ा चीज मिल गया है, इसलिए जो भी आए, तुम्हारा शत्रु भी आए, तुम्हारा विरोधी भी आए, तो छोटा नहीं करना है सोच, उनका भी काम कर देना है। तो उनका जो रोल है वो हमारे साथ, उनको जो भी दुर्भाव है या जो भी भाव है जो नेगेटिव है, तो वो उनका अपना रोल है, हमारा रोल है कि हम अपने जो जो हमको मिला है उसका अच्छे से इस्तेमाल करें, उसको मदद करें, जो हम कर सकते हैं वो उनके लिए करें, और मुझे लगता है इसी में अच्छा भी लगता है, कम से कम आप अपने आप में जो आपका संतुष्टि होती है जी, तो अपना कर्म करते जाओ, बाकी भगवान पे छोड़ दो। क्या चटनी की प्रिपरेशन है? कोई भी चीज के साथ चटनी थोड़ा होना चाहिए, उससे खाना में और जान आता है, जान आता है। चलिए तो झारखंड की राजनीति में जान आ गया है एक नई पार्टी से, और वो है JBKSS या JKLM। इस बार लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा अंबाजी, आपके क्षेत्र में भी प्रत्याशी चुनावी किस्मत आजमाते हुए नजर आए इस पार्टी से, क्या लगता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जो दो फ्रंट है NDA और इंडिया, उसके अलावा JBKSS एक तीसरा मोर्चा बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए अभी तो बहुत सारे लोग चुनाव में आएंगे, अभी चुनाव का समय आ रहा है, कई लोग नए नए लोग आएंगे, नई पार्टियां आएंगी, नए लोग आएंगे, सबको आज़ादी है, सब चुनाव मतलब लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, आप भी लड़ सकते हैं, तो जनता सबको देख रही है, जनता तय करेगी कौन किन पे वो भरोसा जताती है, कौन उनके लिए खरा उतर सकते हैं, तो ये सारा चीज़ जो है वो अब जनता के ऊपर है। तो यानी टफ थोड़ा सा मुकाबला होगा, ये JBKSS क्या लगता है किसका वोट ये पार्टी काटेगी? देखिए ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी नई पार्टी है, अभी कहाँ पे कैंडिडेट वो लोग देंगे, हाँ। कौन सी कैंडिडेट आएंगी? अगर बड़कागांव से JBKSS कोई उम्मीदवार उतारता है तो अंबा प्रसाद को कितनी मेहनत की और जरूरत पड़ेगी? देखिए हम तो वही मेहनत करते हैं किसी दिन, अब उससे कम मेहनत क्या होता है, तो
और इस बार के विधानसभा चुनाव में अंबा प्रसाद का कौन सा रूप दिखेगा, किस तरह वो चुनावी मैदान में दिखेंगी हमें? बस अंबा और कुछ नहीं। इस चटनी के साथ अंबा जी आपसे जानना चाहेंगे, कोई ऐसी सियासी बात जो आपको बहुत चुभी हो ये हमसे शेयर करना चाहेंगी? बिल्कुल, देखिए कास्टिज्म सबसे खराब चीज है। कास्टिज्म ठीक है, समाज के लिए लोग वो एक रहता है, एक अलग सपोर्ट, वो चीज ठीक है, लेकिन सही गलत भी कोई चीज होता है। वो चीज से मतलब हम काफी ये सब चीजों को फेस करते हैं कि मतलब हम कितना भी काम कर दें किसी क्षेत्र में, लेकिन क्योंकि कहीं कहीं मतलब ये सब जगह नहीं है, सारे कास्ट का समर्थन हमको है। हम यानी जातीय समीकरण की आप बात कर रही, जो अभी भी राजनीति में हावी है। कह सकते कि ये समाज हमको वोट नहीं करता है, हमको हर समाज का वोट मिलता है, लेकिन कहीं कहीं ये मानसिकता है कि क्योंकि विधायक उनके कास्ट की नहीं है तो कितना भी हम काम कर दे वो अप्रिशिएट नहीं करेंगे, या फिर कुछ ऐसा ओकेजन होगा तो वो अपने कास्ट के लोगों को फीता कटवाना चाहेंगे, या मतलब ऐसा चीज होता है तो थोड़ा सा वो फील तो यानी राजनीति से अब ये जो जातीय समीकरण है इससे हटना चाहिए। इंसानियत से बड़ा कोई चीज नहीं होता। अगर आपके साथ दुख सुख में अगर कोई भी खड़े है तो उसको जाति से ऊपर उठ के देखना चाहिए। एक मेरा ये एक्सपीरियंस है जो हमको कई बार हर्ट करता है। और दूसरा चीज है कि धोखा बहुत मिलता है राजनीति में, आप कितना भी किसी के लिए कुछ कोई एक बड़ा धोखा जो हमारे साथ शेयर करना चाहे। देखिए अब हम उन सब चीजों में नहीं जाना चाहते, धोखा तो ये सिलसिला चलता ही रहता है और ये एक्सपीरियंस होता ही रहता है। सोशल मीडिया का जमाना है अम्बा जी, कई तरह के कमेंट्स आते होंगे, तो उससे क्या प्रभावित होती हैं? क्या वो लगता है आपको कि वो कहीं ना कहीं हर्ट कर रहा है आपको, या मायूस होती हैं ऐसे कमेंट्स से? नहीं, ऐसा मायूस तो नहीं होता, लेकिन हम देखते हैं कि यूथ जनरेशन जो है वो क्रिटिसाइज बहुत ज्यादा करते हैं चीजों को। जैसे अप्रिशिएट जिसको ज्यादा करना चाहिए, ऐसा नहीं कि मुझे अच्छे कमेंट्स नहीं मिलते, हम अपनी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यूथ के लिए आइडिया शेयर करने के लिए, पर इस प्लेटफॉर्म पे लोग एक दूसरे को अपना आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, उसको इसी चीज के लिए यूज करते हैं। और अच्छा बुरा चीज अप्रिशिएट करना चाहिए, बुरा चीज को रेज करना चाहिए, अपने आइडिया शेयर करने चाहिए। तो ऐसे कई चीजें हैं, कई ऐसे इंस्टेंस है, कुछ एक दो ऐसे कुछ कमेंट होते हैं जो चुप जाते हैं, लग जाते हैं दिल पे, लगते नहीं है। हम बस ये सोचते हैं कि हमारे जो यूथ है उनका जो थॉट है वो काफी पॉजिटिव होना चाहिए, वो एक्सपेक्टेड है आज के जनरेशन में, क्योंकि आज हम लोग को बहुत फ्रीडम है पढ़ाई का, और बहुत हम लोग के पास वाइड स्कोप है, आप किसी भी क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं, आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। अब ऐसे दौर में भी अगर हम छोटे छोटे बात करेंगे, छोटा छोटा चीज बोलेंगे, तो वो मुझे लगता है कि ये बदलाव यूथ में काफी जरूरी है। और है, यूथ पॉजिटिव है, इनोवेटिव है, एनर्जेटिक है, लेकिन हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम पॉजिटिव अप्रोच रखें हमेशा। अम्बा जी आपके फैंस बहुत हैं, यूथ भी आपके फैंस है, और सभी के सवाल होते हैं कि अम्बा जी के दिलों का राजकुमार, दिल का राजकुमार कौन होगा, तो कुछ शेयर करना चाहेंगे? कैसा सोच कर रखे हैं? एक ड्रीम होता है सबका, अम्बा जी का क्या ड्रीम है, अम्बा की नजर में कैसा होना चाहिए उनका जीवन साथी? जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है, संघर्ष से भरा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि इतना बहुत हिम्मत चाहिए हमारे जैसा जीवन को स्वीकार करने के लिए। तो पहले तो ये कल्पना में भी नहीं आता कि कोई इस तरह का जीवन को स्वीकार कर पाएगा, तो आगे तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन मन में तो आपने सोच रखा होगा ना कि जो जीवन साथी हो तो उसके में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? मैंने जैसा बोला कि हमारी चुनौती को स्वीकार करना बहुत दिक्कत है, और खास करके लड़कियों के लिए और भी ज्यादा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि कोई भी अगर लड़की से शादी करता है तो वो उसको एक वाइफ चाहिए होती है, और वाइफ चाहिए होती है, घर में चाहिए होती है, समय उनसे चाहिए होता है। और लेकिन जो राजनीति में हो तो वो तो एक्सेप्ट करेगा इन चीजों को, तो क्या कभी ऐसा सोचा आपने कि राजनीति से ही हो वो जो आपका हम सफर बने? हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा है,
और हम इन सब चीजों के बारे में सोच नहीं पा रहे, सोचते नहीं है। जब सोच जब आएगा सोच में शेयर कर। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वो जेल में हैं, कांग्रेस कोटे के मंत्री रहे थे आलमगीर आलम वो जेल में हैं। तो भ्रष्टाचार एक बार विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा है और ये इस मुद्दे को लेकर विधानसभा चुनाव में मुखरता से विपक्ष उतरेगा तो कैसे सामना इंडिया गठबंधन इससे लेकर करेगा, क्या उपलब्धियां लेकर जनता के बीच में जाएगा? अभी भी हमारी पार्टी गलत को सही नहीं बोलती है और अगर कोई जांच हो रही है, कोई कानूनी प्रक्रिया है, तो उसमें हर कोई सहयोग कर रहा है। जब मेरे ऊपर चीज़ें चल रही थी तो हम भी बहुत हिम्मत के साथ सारा चीज़ फेस किए क्योंकि हमें पता था कि ये प्रोपेगेंडा में उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा क्योंकि हम लोग का एक आईने की तरह हम लोग हैं। और फाइनली कुछ मिला भी नहीं, हम लोगों के खिलाफ बहुत सबूत इकट्ठा करने का कोशिश किया गया, मीडिया कुछ अनाप शनाप छापे भी, लेकिन उन सब चीज़ों का कोई भी कुछ भी नहीं निकला। मैं कोई ये नहीं कह सकता कि अंबा प्रसाद के खिलाफ ईडी के पास ये मिल गया है वो मिल गया है। तो हमें लगता है कि इन सब चीज़ों के बाद भी अगर ये सब चीज़ें हमें मतलब कोई भी चीज़ नहीं घेरने के लिए वैसे खड़ी है और कोई वैसा चीज़ नहीं है जो हम लोग को गलत साबित कर दे, तो इससे बड़ा चीज़ क्या हो सकता है। और बाकी अगर तो क्या जब ईडी की छापेमारी चल रही थी तो क्या अंबा घबराई थी, थोड़ा डरी थी, लग रहा था कि राजनीतिक करियर पर के पास नहीं आते, आप लोग को हाई नहीं करते, बाई नहीं करते, आप लोगों को सब कुछ ठीक है वो इशारे पे नहीं बताते और आप लोग को फेस नहीं करते। अगर कुछ गलत रहता तो निश्चित रूप से हम लोग भी चुप ही रहते जो अधिकतर देखने को मिलता है। तो देखिए अब खाना सारा कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं वेज मंचूरियन है, आम की चटनी है और दाल है और इसके साथ ही जो देसी तरीके से टमाटर की चटनी बनी थी कोयला डालकर चटनी में वो है, साथ ही हांडी कटहल है। तो अब बारी है ये जानने की कि अंबा प्रसाद फेल हुई है या पास हुई है और कैसा बना है ये, तो शुरू किया जाए। अंबा जी बैठ जाइए आप भी और इसका टेस्ट कैसा लगा करिश्मा? बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी, पास हो गई मेरे तरफ से तो अंबा जी। वाकई जो बोल रही थी कि ऐसा खाना आप लोगों ने नहीं खाया होगा, ऐसा टेस्ट नहीं मिलेगा, तो वाकई वो है और बहुत टेस्टी, बहुत उम्दा, लाजवाब बना है। तो अंबा जी कितने दिन के बाद आपने कुकिंग में हाथ आजमाया है? बहुत समय के बाद, और ऐसे बीच बीच में मौका मिलता है तो करते ही है, कुकिंग फैशन है। करिश्मा कटहल टेस्ट करके बताइए, फिर मैं बताऊंगी पास या फेल। पास, और बहुत ही अलग टेस्ट, बहुत, शायद मैं कभी खाई हूँ ऐसा, बहुत अलग टेस्ट। कैसा लगा मदन जी? लाजवाब, पहले इससे पहले हमने ऐसा सब्जी नहीं खाया था, मतलब कटहल की सब्जी तो बहुत खाया लेकिन ये फ्लेवर जो है वो एक अलग है। मिट्टी के बर्तन में जैसे आजकल आप देखते हैं कि चंपारण मीट का जो एक ट्रेंड चला है तो आपको वो मिट्टी के बर्तन में ही बनाकर बिकता है, ठीक उसी पैटर्न से ये बनाया गया था, स्वाद भी उसी तरह से लाजवाब। ज़रूर ये कहेंगे कि ये जो आज का डिश है ये अंबा जी को एक और चांस देगा आगे बढ़ने का। तो अंबा जी अब बताएंगी कि ये जो इतना टेस्ट आया है खाने में इसके पीछे का राज क्या है? इसके पीछे का राज है प्यार से खाना बनाना और कुछ नहीं। और देखिए कितना सारा खाना तैयार किया है इन्होंने हमारे लिए और वाकई बहुत लाजवाब बना है, बहुत टेस्टी खाना है। तो अंबा प्रसाद तो पास हो गई है खाने की टेस्ट में, अब विधानसभा के रण में जनता इन्हें पास करती है या फेल वो भी आपको दिखाएंगे। जनता के लिए बहुत कुछ करने की इन्होंने ठानी है तो जनता की उम्मीदें क्या है और जनता की उम्मीदों पर ये खरा कितना उतरेंगी वो भी आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, फिलहाल तो हम लेंगे अब इस खाने का स्वाद।